नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश माय इंग्लिश बुक का पेज नंबर 21 निकालेंगे। पेज नंबर 21 पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दिस इज़ माय हेड, यानी ये मेरा हेड, दिस इज़ माय हेड। हेड मीन्स क्या होता है? मेरा सिर, ठीक है। हेड हम इसको ही बोलते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो आज हम कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है दीज आर माय फिंगर्स। फिंगर्स सब लोग के पास है, हाउ मेनी फिंगर्स? ऐसे 10 फिंगर्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर माय फिंगर्स एंड दीज आर माय टोज। टोज किसको बोलते हैं? पैरों की उंगलियों, ठीक है। अभी मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि दीज आर माय टोज कहाँ पे होता है, जो पैरों की उंगलियाँ होती है ना, उसे टोज कहते हैं। टोज कितने होते हैं? हमारे टोज भी हमारे फिंगर की तरह ही 10 होते हैं, ठीक है। दिस इज माई हेड, हेड, दिस इज माई हेड, ये हमारा हेड हो गया। एंड दिस इज माई नोज, ये क्या है? नोज। दीज आर माई ईयर्स, ईयर्स यानी क्या? कान। हाँ, दीज आर माई ईयर्स ऑन माई हेड एट द साइड, यानी मेरे हेड के ठीक साइड में मेरे ईयर्स हैं, ठीक है। दीज आर माई आईज, आईज आप लोग देख सकते हैं, आई कैन ओपन देम वाइड। वाइड मीन्स वॉट? हम उसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। आई कैन ओपन देम वाइड, मैं उसे चौड़ा कर सकती हूँ। आई कैन ओपन देम वाइड। दिस इज माई माउथ, माउथ से क्या करते हैं हम? माउथ से वी कैन स्पीक, हम बोलते भी हैं और खाते भी हैं। तो दिस इज माई माउथ एंड हियर आर माई टीथ। टीथ यानी क्या हो गया? टीथ यानी हमारे दांत हो गए। एंड दीज आर माई नीज, नीज कौन सा पार्ट है बच्चों? जो हमारा घुटना होता है उसको नीज बोलते हैं। हाँ, दीज आर माई नीज, तो हमारे दोनों पैरों में दो घुटने होते हैं, इसीलिए हमारे नीज हो गए, टू नीज। एंड माई फीट आर बीनीथ, और मेरा फीट जो है ठीक उसके नीचे है। फीट यानी क्या? जिसमें हम चप्पल पहनते हैं वो हमारे फीट हो गए, ठीक है। तो आई कैन वेव माई आर्म्स, आई कैन वेव माई आर्म्स, हम आर्म्स, ये हमारे आर्म्स हो गए, ठीक है। आई कैन वेव इट, ठीक है, इसको हम हिला भी सकते हैं। एंड विगल माई नोज, नोज को भी हम ऐसे करके विगल कर सकते हैं ना, पकड़ के टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। आई कैन स्ट्रेच माई आर्म्स, स्ट्रेच यानी इसको हम ऐसा करते हैं ना, कभी कभी थक जाते हैं तो ऐसे करके करते हैं, तो वो स्ट्रेचिंग हो गया, जो हम अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, आर्म्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड आई कैन टच माई आईज ऑल्सो, मैं उसे टच भी कर सकती हूँ, है ना, यू ऑल्सो कैन टच, आप लोग भी इसको टच कर सकते हैं। टच मीन्स क्या? छूना। तो हम उसे टच कर सकते हैं अपने आईज को। आईज किधर है? ये आईज हो गया हमारा, ठीक है। आई कैन होल्ड माई हैंड्स टूगेदर, आई कैन होल्ड, होल्ड होल्ड यानी हम हाथ को जोड़ भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। आई कैन होल्ड माई हैंड्स, होल्ड यानी ऐसा, होल्ड यानी पकड़ना होता है, तो मैं अपने हाथों को पकड़ भी सकती हूँ। एंड देन इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अब हम उसको फिर से स्टार्ट करेंगे जो हमने पढ़ाया। तो बच्चों, वेयर इज योर हेड? सबसे पहले अगर मैं सामने रहती तो यही पूछती, चलो शो मी योर हेड। हेड बोलेंगे तो कौन सा हेड? यही है, ये दिस इज माई हेड, दिस इज माई नोज, वेयर इज नोज? नोज। वेयर आर आईज? Eyes, हाँ। Where are ears? Ears. Mouth, this is my mouth. ठीक है। Where are fingers? तो ये fingers, ठीक है। Then और क्या था इसमें? हाँ, where show me your teeth, teeth आप लोग दिखा सकते हैं, ये आप लोग के teeth हो गए, ठीक है। और mouth हो गया, ये eyes हो गया, nose, ear, हाँ, ईयर से हम क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं ना, तो ईयर हो गया। फिंगर्स हो गया, टोज यानी पैरों की जो उंगलियाँ होती हैं उसको टोज बोलते हैं। तो वैसे ही ये आप लोग के लिए था, शो मी योर हेड। हेड बोला जाए तो कौन सा पार्ट है? ये हमारे सिर का, ये हमारा हेड हो गया। शो मी योर नोज, दिस इज माई नोज। शो मी योर नीज, नीज यानी हो गया हमारा घुटना, ठीक है। ये शोज, ये हम शो कर सकते हैं कि ये दीज आर माई नीज। तो बच्चों, ये लेसन हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में था। अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आज मेरा ये लेसन यहीं पे एंड हो रहा है। अब हम अपने अगले ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।